साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं एक किसान भाई के फील्ड में, जहां पर हम दिखा रहे हैं एक प्रोडक्ट, हमारे बायोफिट के प्रोडक्ट हैं इंटैक्ट का रिजल्ट। हम किसान भाई से 15 दिन पहले मिले थे और जो उन्होंने डाला हुआ था वो आपके जुबानी आपके सामने बताने वाले हैं। और एक इंटैक्ट के स्प्रे के बाद क्या उनका रुख है, प्लीज़ उनको सुनिए ध्यान से और आगे किसान साथियों को जरूर आगे भेजिए वीडियो। 5 लीटर तो चापत्ती डाल रखे थाइमेट 10 की। ओहो थाइमाक्सम 5 लीटर। 5 लीटर इस एरिए में। सुनो अभी तो अभी और तो सुनो, हैरान हो जाओगे आप। अच्छा दो जो मतलब पता क्या है, दो बोतल फरनेल जो कूड़े कुत्ता के कीड़े पड़ जाते हैं ना, वो मेरे को चढ़ भी गई थी, बड़कर उस दिन तो खैर मैंने गलत ले लिया, करना नहीं चाहिए था। वो दो बोतल इसके अंदर डाले भी मूड़ी नीचे से खराब ना हो, कीड़ा ना रहे जमीन के अंदर। अच्छा खाद तो खैर नॉर्मली डाल लिया 20-25 तो ये इतना जहर डाल के भी नहीं, अगर मान लो बाजार में जाऊंगे तो वो मारे जाएंगे बेचारे। नहीं मरते, सबका ब्लड ही है, मैं खाता हूँ नहीं मरते। अच्छा जहर सब कुछ जहर हो गया, कोई असर नहीं पड़ रहा। जो अपने एरिया का सर्कल है ना, हाँ। टोटल ही ऐसी मतलब अब जब बच्चे को सुन करते हैं ना इंजेक्शन, हाँ। लगाते हैं, मेरे को 4 लगा दो मैं सुन नहीं होता। आपने इतना जहर की दवाई स्प्रे कर चुके हो, फिर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, फसल होनी फसल। ये तो अभी आपके इनके खुद के जुबानी जो भी इन्होंने बताया किसान भाई ने, हाँ। कि इस छोटे से टुकड़े के अंदर इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें डाल दी। नहीं ये हुआ फर्स्ट टाइम है, पहले किसान के खेत के साथ ये स्थिति मतलब हर बार की तरह और ऊंची होती जा रही है। मतलब उसके हैबिट मतलब आदत बढ़ गई ना जमीन की, वो बढ़ गई, बढ़ती जाएगी। अब क्या हुआ, अब हम आपके पास में आए, इनकी जो मूली है एक बार नीचे करके दिखाओ, बिल्कुल नीचे इन मूलियों के अंदर देखो कितना भारी रोग भी चढ़ा हुआ, घुमा के देखो थोड़ा सा कैंसर है एक किस्म का ये बिल्कुल मतलब लगा हुआ है, मतलब ये रोग है। हाँ बिल्कुल बीमारी है ये रोग है। तो अब इस रोग को खत्म करने के लिए और इस जमीन को थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ावा देने के लिए हम पूरी मेहनत और ताकत लगा देते किसान भाई के साथ ऑर्गेनिक, और अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम किसानों को दिलाते हैं और वो भी सब्सिडी के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए स्टिमरिच है, बायो 95 है, इसके अंदर एक निकालना सर, ये अपना कीटनाशक है। हाँ ये मैं इसमें मतलब अब डाल लूंगा स्प्रे। अब आप बता रहे थे 2 लीटर क्या नाम बताया था जो कुत्ते के कीड़े पड़ जाते, क्या नाम है उसका, फरनेल। फरनेल तो फरनेल को अगर ऐसे मुंह लगा के पी सकते हैं तो इंसान मर जाएगा कि नहीं, सेकंड भी नहीं पकड़ेगा, सेकंड भी नहीं। अब फरनेल से ज्यादा ताकतवर हमारे पास में इंटेक्ट, ये जो इंटेक्ट का जो डब्बा है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसको किसान पी भी ले, इसको छिड़क भी दे तो कीट को नहीं आने देता, फरनाल से तो ज़्यादा ताकत। लेकिन ये जहर नहीं है, ये कोई भी प्रोडक्ट जहर नहीं है। विकास जी पकड़ना इनको, ये कोई भी चीज़ जहर नहीं है सर, आप भी पकड़िए। देखो हमने ये प्रोडक्ट दिया है आज, और आज से लगभग 10 से 12 दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद में फिर पहले हम इस खेत से आते रहेंगे जाते रहेंगे, बार बार आएंगे, तब तक इनको संतुष्ट हम नहीं कर सकते जब तक आएंगे। काम कर रहे हो आप अपने खेतों से स्टार्ट कर रहे हो, बाकी और किसानों को रिजल्ट, बाकी और दवाई हमने बंद कर दी है। नहीं नहीं आप करो, इनको छिड़को और इनके रिजल्ट देखो और किसान भाइयों को आप बताओ, जिससे कि हम एक मुहिम जो चला रहे हैं ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती वो हम पूरे एरिया में फैला सके और हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको बचा सके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अरे कैसे उड़ जाएगा ये, हाँ ऐसे काबू होगा सर, बस मैंने बिड़ाया तो इसको, ये चीज है इसी की वजह से पहली बार आया हमारे क्षेत्र में, ये पहली बार बीमारी इसी की वजह से मूली फेल होगी। आप वेरी गुड जी, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं इनकी, अरे ये तो देखो सुनो एक चीज और बताऊं, आपने इसमें लगाना उंगली, विकास जी लगाओ, खा लूं, आप भी लगाओ, हाँ खाओ। मैंने तो कई मरी खा लिया, मैं भी लगाऊ, खाओ सारे कड़वा है, ठीक है इतना ज्यादा कड़वा, खाओ इसको, इसको घूंट मारो, अगर खाज खुजली आपके शरीर पे है ना, एलर्जी खाज खुजली, तो सरसों के तेल की तरह लगाओ, नहाने के बाद मारो मालिश सुबह शाम, 10 दिन के अंदर अंदर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सारे खाज खुजली खत्म हो जाएगी। जयराम जी की होगी इसकी तो। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सुमेर सिंह और नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बायोफिट की कंपनी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास किसान जी हैं, किसान हैं, कौन सा गांव है ये, गांव खानपुर में, इंडस्ट्री खानपुर से है और खेतल के पास पड़ता है ये। तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट थे हमारे 8-10 दिन पहले लगाया था मूली के अंदर,
मूली के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, कीड़ा था, पत्ते कट रहे थे और बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते थे। तो इन्होंने जैसे ही ये अपना इंटेक्ट और बायोफिट स्टीमरिच इंटेक्ट और बायो 95 डाला तो इनको बेस्ट रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, वो अपने मुख से खुद बताएंगे किसान जी। हाँ सर, इसका रिजल्ट पूरा 100% सही है। आपने ये चीज़ डाली? हाँ, मैंने ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं जिनका रिजल्ट पूरा 100% फिट है। और पहले डेंगू बहुत ज़्यादा था, अब तो नाम मात्र कुछ भी नहीं है। यानी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बिल्कुल 100% रिजल्ट अच्छा है। आप संतुष्ट हो इनसे? बिल्कुल संतुष्ट है, हम भविष्य में ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। कैसे कटे हुए थे ये पौधे? कटे हुए थे, थोड़ा कैमरा इधर करना। ये मूलियों के पत्ते थे, अभी इनमें काफ़ी सुधार हो गया, पत्ते बिल्कुल ख़त्म थे, ये अब ठीक हो गए बहुत ज़्यादा। जो नई गोब उगने लग रही है, नई गोब के अंदर कोई कीड़ा नहीं है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चार किसानों को इस चीज़ के बारे में बताओ ताकि हमारे इस समाज से इस किसान भाई जहर थोड़ा सा कम यूज़ करे। थैंक यू सो मच।